हेलो स्टूडेंट्स, आपने कई बार ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला यूज किया होगा, है ना। तो आज हम लोग मिरर फार्मूला ड्राइव करेंगे, जो कि फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला आपने कई बार यूज किया होगा, है ना। आज हम लोग उसको डिराइव करेंगे। डिराइव करने के कई सारे तरीके होते हैं। आज हम लोग वो वाला तरीका अप्लाई करेंगे, वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो कि NCERT में दिया हुआ है, कि अगर कोई बच्चा जो है बोर्ड का एग्जाम देने वाला हो तो उसके काम में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम लोग ये कॉनकेव मिरर लेते हैं, देखेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि एक कॉनकेव मिरर है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है AB, है ना। इसका एक एंड A ऊपर है और दूसरा एंड बी नीचे है, ठीक। तो जो ऊपर वाला एंड है ए, है ना, वहां से एक लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं मिरर पर, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, है ना। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ये है, और एक यहाँ पर कह सकते हैं कि ये पोल है। पोल को मैं पॉइंट पी से डिनोट कर देता हूँ। ये जो लाइट रे पॉइंट ए से हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा है, ये मिरर पर किसी पॉइंट एम पर सपोज इंसिडेंट होता है, ठीक। उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस, है ना। तो ये हो गया फोकस एफ। अब एक दूसरा लाइट रे जो है पॉइंट ए से निकालते हैं। पॉइंट ए से एक दूसरा लाइट रे है, जो कि ये रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये लाइट रे जो पोल पर इंसिडेंट होता है, तो ये सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का ध्यान रखते हुए इसको सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट कराएंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक तरह से नॉर्मल का काम करता है पोल पर, है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक। हम लोग जानते हैं कि दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इमेज कहलाता है। तो पॉइंट ए से दो लाइट रेज निकली हैं, एक ये येलो कलर वाली और ये रेड कलर वाली। दोनों का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, रिफ्लेक्टेड जो है येलो कलर वाले का ये है और रेड कलर वाले का ये है, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज। तो पॉइंट बी का जो इमेज है वो यहां पर आएगा, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं बी डैश, क्योंकि पॉइंट वो ए था, पॉइंट ए से लाइट रेज आई थी, तो इमेज जो है इसको मैं ए डैश कह देता हूँ, ये हो जाएगा ए डैश, क्योंकि जो लाइट रेज इंसिडेंट हुई थी वो पॉइंट ए से निकल रही थी, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जिस पॉइंट पर मिलेंगी उसी पॉइंट ए का इमेज होगा, इसलिए मैं इसको ए डैश करूँगा, ठीक है। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इमेज बन जाएगा। तो पॉइंट बी का जो इमेज है, क्योंकि पॉइंट बी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो उसका इमेज ही प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा डी डैश, है ना। तो ए डैश बी डैश जो है वो इमेज बन गया। एक लाइट रे पॉइंट ए से और हम लोग लेंगे, ये जो लाइट रे आप देखेंगे, है ना, ये जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जाएगा मिरर पर जो है टकराएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस अपने पाथ को रिट्रेस करने लगेगा, है ना, क्योंकि सेंटर से पास करने वाला जो लाइट रे है वो मिरर के परपेंडिकुलर होता है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद, और ये रिटर्न होता हुआ आ करके इसी पॉइंट पर मिलेगा जहां पर पहले वाली दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे मिली थी, यानी पॉइंट ए का इमेज यहाँ पर बन गया, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर कई सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग दो सिमिलर ट्रायंगल्स लेते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी और पी, एंड देखेंगे ये है ए, ये पॉइंट बी और ये है पॉइंट पी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड एक पॉइंट है ये, मतलब एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश और पी, ठीक है। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए डैश बी डैश और पी, ठीक। इन
दोनों सिमिलर ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री इसमें है और इसमें भी 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों का, और इसलिए साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब साइड्स का रेशियो इक्वल होगा तो मैं साइड्स का रेशियो निकालता हूँ। जैसे हम लोग लेंगे साइड लेंथ है ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ए बी पी का जो ये परपेंडिकुलर वाला जो साइड है ए बी, और फिर ए डैश बी डैश पी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, ये जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए यहाँ पर बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी। ठीक है, देखेंगे बड़े वाले ट्राइंगल का जो बेस है वो है बी पी, और छोटा वाला जो ट्राइंगल हमने लिया है ए डैश बी डैश पी, उसका जो बेस है बी डैश और पी, है ना। तो ये जो रेशियो है ये इक्वल आएगा, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया। उसी तरह से और दो सिमिलर ट्राइंगल हम लोग लेंगे, है ना। जैसे कि एक पॉइंट एम है यहाँ पर, तो पॉइंट एम से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, पॉइंट एम ये है, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस पर, है ना, तो वो आप देखेंगे कि ये पॉइंट एम, तो यहाँ से लाइंस जो है थोड़ी इधर उधर जा रही हैं, इसको ठीक करते हैं। हाँ, तो ये पॉइंट एम से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो ये लगभग पॉइंट पी के आसपास आ करके जो है वो नीचे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो अप्रोक्सीमेटली ये जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये परपेंडिकुलर, उसको मैं लगभग पॉइंट पी ही मान लूँ। ठीक है, तो यहाँ भी दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे, कौन कौन से देखते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स देखेंगे, एक ट्रायंगल आएगा यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है पॉइंट ए डैश बी डैश और एफ, है ना। और दूसरा जो है ट्रायंगल है वो है एम पी एफ, पॉइंट एम यहाँ पर है, पॉइंट पी यहाँ पर है और एफ यहाँ पर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम लोग पैरेक्सियल रे की बात करते हैं, तो पैरेक्सियल रे के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही स्मॉल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल तब होगा जब लाइट रे पोल के काफ़ी पास में इंसिडेंट होता है। तो ये जो पॉइंट एम है, अगर इसको पॉइंट पी के पास में कर दिया जाए, है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर है बिल्कुल पी के पास में आ जाएगा, है ना। ये तो मैंने काफ़ी जो डायग्राम है वो क्लियर दिखने के लिए मैंने एम ज़्यादा ऊपर ले लिया है, थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बने, बड़ा सा ट्राइंगल बने, इसलिए हमने ऐसा फिगर लिया है। अदरवाइज ये पॉइंट एम जो है पॉइंट पी के काफ़ी क्लोज लेना था, पॉइंट पी के काफ़ी क्लोज लेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है पॉइंट एम से प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये पॉइंट बिल्कुल पी के एकदम पास में चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन पैरेक्सियल रे के लिए करते हैं, इसलिए ये कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है पॉइंट पी के पास में होगा, और इसीलिए मैंने उस ट्रायंगल को एम पी एफ लिखा है। ठीक, अब इस ट्रायंगल में भी देखते हैं कि ये सिमिलर ट्रायंगल कैसे है। देखेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, दोनों में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो तीसरा एंगल जो है ऑब्वियसली इनमें इक्वल हो जाएगा, तो साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। अब साइड्स का रेशियो इक्वल कैसे करेंगे, इसमें जो है जो एम पी एफ ट्रायंगल है उसमें हाइट जो है वो है एम पी, एम पी डिवाइडेड बाई इसका ए डैश बी डैश एफ का जो हाइट है उसको हम लेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू दोनों का बेस ले लेते हैं, इसका बेस आएगा पी एफ यहाँ से यहाँ तक, पी एफ डिवाइडेड बाई ये जो ए डैश बी डैश एफ ट्राइंगल है इसका बेस आएगा बी डैश एफ,
बी डैश एफ, तो ये दूसरा ट्रायंगल है ना। अब अपने पास दो इक्वेशन है, इनको हमें सोल्व करना है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। तो देखते हैं इसको हम लोग किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर जो एम पी है, एम पी एक्चुअली में ए बी के इक्वल आता है। कैसे? यहाँ पर देखें, ये जो लाइट रे है जो इंसिडेंट हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दोनों जो लाइंस है, ये इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस, इन पर परपेंडिकुलर डालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। जैसे कि ए बी भी परपेंडिकुलर है और एम पी भी परपेंडिकुलर है, तो ए बी और एम पी दोनों इक्वल होंगे। तो मैं एम पी को ए बी लिख सकता हूँ इसके बराबर। तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ, है ना। तो दूसरा इक्वेशन ये कुछ ऐसा दिखने लगा, है ना। अब जो है, अगर दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वेट कर दें, क्योंकि दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गया है ना। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड था वो था ए बी बाई ए डैश बी डैश, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में वही आ गया, ए बी बाई ए डैश बी डैश। चूंकि दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, बी पी डिवाइडेड बाई बी डैश पी इज इक्वल टू पी एफ डिवाइडेड बाई बी डैश एफ। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो टर्म मैंने लिखा है, बी पी या बी डैश पी, पी एफ या बी डैश एफ, इनको हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे कहेंगे कि ये जो पॉइंट एफ है, ये फोकस है, तो पोल से इसका जो डिस्टेंस है, इसको मैं लिखूंगा एफ। ठीक है, अच्छा ये जो ए डैश बी डैश है, ये इमेज है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको मैं लिख सकता हूँ इमेज डिस्टेंस वी, है ना। और ए बी जो था, ये वाला जो ब्लैक कलर का मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ऑब्जेक्ट था, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकता हूँ। कहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख सकता हूँ। ठीक है, खास बात ये है कि मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है ना। तो लाइट रे जो है वो लेफ्ट से राइट में जाएगा ऐसे, और हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। जैसे ये पोल है, पोल को ओरिजिन मानना है, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यानी लेफ्ट से राइट, इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। और उसका अपोजिट यानी पोल से लेफ्ट साइड में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो डिस्टेंस पी एफ है, यहाँ पर देखेंगे ये है पी एफ, तो पी एफ जो है वो फोकल लेंथ के इक्वल है। चूंकि निगेटिव साइड में फोकस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ। ठीक है, इसके बाद है बी डैश एफ, ये देखें ये बी डैश है, ये एफ है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी डैश पी। बी डैश पी क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो बी डैश पी में से ये फोकस डिस्टेंस यानी पी एफ माइनस कर दूंगा, तो बी डैश एफ को लिखा जा सकता है बी डैश पी माइनस पी एफ, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद ऊपर वाला टर्म हो गया एफ, बी डैश पी, बी डैश पी जो है वो एक्चुअली में इमेज डिस्टेंस है, ये बी डैश है और ये पी पोल है, तो ये इमेज डिस्टेंस है वी। इसको मैं एक्चुअली में लिखूंगा माइनस वी। माइनस वी इसलिए क्योंकि जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड में है, जिधर हमने निगेटिव डायरेक्शन लिया है। ठीक है, और पी एफ जो है, पी एफ को भी मैंने माइनस एफ लिखा था, तो यहाँ भी फिर से ये माइनस साइन आ गया और पी एफ को माइनस एफ कर दूंगा। ये हो गया राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो है बी पी, बी पी क्या था? बी पी था एक्चुअली में
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से देखें जो डायग्राम है उसको देखते हैं। हाँ, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट बी, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जो कि निगेटिव साइड में है, इसलिए इसको मैं माइनस यू लिखूंगा। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा बी पी को माइनस यू, और बी डैश पी जो है ये इमेज डिस्टेंस है, यहाँ भी बी डैश पी था तो इसको मैंने माइनस वी लिखा था, तो यहाँ भी लिखेंगे माइनस वी। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन आ गया, इसको मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आया यू बाई वी, ऊपर आया माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस वी। ठीक है, अब इनको जो है मैं उल्टा कर देता हूँ, है ना, इसको क्या करना है हमें सोल्व करना है, तो वी बाई यू इज इक्वल टू एफ माइनस वी बाई माइनस एफ, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वी बाई एफ, है ना, तो ये हो गया वी बाई यू माइनस वी बाई एफ इज इक्वल टू माइनस वन, है ना, तो वी यहां से कॉमन ले लेंगे, तो वन बाई यू माइनस वन बाई एफ इज इक्वल टू माइनस वन, तो वन बाई यू माइनस वन बाई एफ इज इक्वल टू माइनस वन बाई वी, है ना, ये हो गया। इसको हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देखेंगे ये वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, उधर माइनस है, वन बाई यू प्लस वन बाई वी, और ये जो टर्म है इसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो आगे माइनस था प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई एफ, है ना, और आपको पता है कि यही मिरर फॉर्मूला होता है, ना? तो मिरर फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, ये होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक, अब बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हमने फॉर्मूला डेराइव किया तब यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज किया है, और जब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब भी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ऐसा क्यों, दो बार क्यों, है ना, तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि जो हमने डेरिवेशन किया है एक पर्टिकुलर केस के लिए किया है। ठीक है, हम लोग जो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर केस होता है, तो उसमें हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला जो है वो जनरल है, वो हर क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन साइन कन्वेंशन हर पर्टिकुलर केस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी चूंकि जो डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पर, ये एक पर्टिकुलर केस लिया हमने, है ना, यहाँ पर देखेंगे ये एक पर्टिकुलर केस है, हमने ऑब्जेक्ट रियल लिया है, इमेज रियल लिया है, रियल ऑब्जेक्ट है और रियल इमेज बना है, इरेक्ट ऑब्जेक्ट है जबकि इन्वर्टेड इमेज बना है, तो ये एक पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, लेकिन उसे जो फॉर्मूला आएगा वो जनरल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी एक पर्टिकुलर केस हो, एक स्पेशल केस हो, तो उसके लिए तो हमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन हम लोग एक पर्टिकुलर केस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आया है ये जनरल है, मतलब इसको हम सारे केस में अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूले को, है ना, ये ध्यान रखना।